शिफ्ट प्रेस करेंगे तो दोनों कमांड आपका लेगा। देखिए आपको लाइन बढ़ाना रहेगा तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक्सटेंड कमांड की तरह यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिम करना है तो यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये दोनों कमांड ले लेगा, बस एक्सटेंड करना रहेगा तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए लाइन आपका एक्सटेंड हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड। ट्रिम कमांड क्या होता है, एक्सटेंड कमांड क्या होता है, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिम कमांड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना रहेगा तो हम काट सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ले लिया है, ठीक है, सपोज दैट आपको एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए। जैसे ट्रिम कमांड होता है काटना, ठीक है। ट्रिम कमांड का शॉर्टकट की होता है टी आर, डबल एंटर कर देंगे हम यहाँ पे। अब जिस ऑब्जेक्ट को काटना रहेगा, जैसे हमको इस लाइन को ऊपर वाली को काटना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे हमको इस लाइन को हटाना है, काटना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इस पर सिंगल लाइन पर क्लिक करेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि एक सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट होता है तो दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। ये इसलिए आपका एक ट्रिम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल लेके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये आपको ट्रिम करना है किसी भी, जैसे इस लाइन को, तो यहाँ से टी आर डबल एंटर करेंगे, इसका शॉर्टकट की है, यहाँ से हम लाइन को ट्रिम कर देंगे, ठीक है। जिस लाइन पे आपको ट्रिम करना है, काटना है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ट्रिम हो जाएगा, ये जो अंदर का भाग रहेगा वो बच जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। जैसे एक्सटेंड कमांड देखिए क्या होता है, एक्सटेंड कमांड का शॉर्टकट की होता है ई एक्स डबल इंटर, और यहाँ से जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक लाइन ले रहा हूँ। एक्सटेंड कमांड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को बढ़ाना हो तो एक्सटेंड कमांड से हम कर सकते हैं। तो टाइप करेंगे ई एक्स, डबल इंटर कर देंगे, जिस लाइन को आपको बढ़ाना रहेगा यहाँ पे इस डायरेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका प्रीव्यू में दिख रहा है, इस लाइन को उस लाइन पे टच करते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे क्लिक करेंगे ये एक्सटेंड होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये लाइन यहाँ से इस लाइन पर मिल जाएगा, इस लाइन को क्लिक करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ से एक लाइन ले रहे हैं, जैसे हमको इस लाइन को इस लाइन में कनेक्ट करना है तो यहाँ से एक्सटेंड कमांड से कर सकते हैं, ई एक्स डबल इंटर करेंगे, अब इसको यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए इस लाइन को एक्सटेंड करें, इस लाइन को एक्सटेंड करें, ठीक है। अब देखिए एक शॉर्टकट की मैं बताता हूँ, जो दोनों कमांड का एक ही कमांड से आपका हो सकता है, तो ये ट्रिक है, आप जान लीजिए। जैसे यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, आर ए सी इंटर करेंगे, ठीक है, और एक लाइन बना ले रहे हैं, ठीक है। ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड एक ही कमांड से आपका दोनों ले लेगा, ठीक है। आपको दोनों कमांड टाइप नहीं करने पड़ेंगे। तो जैसे हमको ट्रिम करना है तो ट्रिम कमांड करने के लिए टी आर डबल इंटर करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रिम होता था, और एक्सटेंड कमांड करने के लिए ई एक्स डबल इंटर करते थे तो एक्सटेंड होता था, कोई लाइन बढ़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों कमांड एक ही कमांड से लेना है, तो आपको क्या करना है, बस शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो दोनों कमांड आपका लेगा। देखिए आपको लाइन बढ़ाना रहेगा तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक्सटेंड कमांड की तरह यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिम करना है तो यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ठीक है, ये दोनों कमांड ले लेगा, बस एक्सटेंड करना रहेगा तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए लाइन आपका एक्सटेंड हो जाएगा। आ गया वीडियो समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस नहीं हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।